और मैं भिवानी से ही आई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम का जो एग्ज़ाम का इशू है पेडोलॉजी का, उसको लेके हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बोर्ड ने हमारा सिलेबस दे दिया एक महीने पहले और कहा कि 15 नंबर की इंग्लिश और 15 की हिंदी हम पेडोलॉजी पूछेंगे उसके अंदर, और अनसीज पैसेज पूछेंगे। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए तो जो हमारा पिछला पैटर्न था सेम हमें वही एग्ज़ाम में देखने को मिला, जिसकी वजह से हम पेपर को देखते ही जितना अच्छा स्कोर हम कर पाते वो हम लोग नहीं कर पाए। अब हमारी बोर्ड से एक ही मांग है कि हम सभी बच्चों को, जितने भी एचटेट के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनको ग्रेस मार्क्स दी जाए, 30 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं, ग्रामर को हमने पढ़ा ही नहीं, और जो ग्रामर हमने नहीं पढ़ी फिर वो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो कैसे हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर, क्यों हमें सरकार है ना बार बार है ना मेंटली हैरेसमेंट कर रही है। अगर उन्हें रोजगार देना ही नहीं है तो क्यों बार बार फॉर्म निकलवा रही है, क्यों एचटेट ले रही है। धन्यवाद। तीनों लेवल में समस्या है, तीनों लेवल में बिल्कुल, तीनों लेवल में जो उन्होंने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, ना 15 नंबर की इंग्लिश में ना हिंदी के। अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं तो क्या आगे का स्टेप रहेगा? हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे, कोर्ट केस करेंगे 101%। सभी जो मेरे साथी यहाँ खड़े हैं सभी के सभी हम तैयार हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है, वो सिलेबस का भी है और जो एग्जाम हमारा आया है क्वेश्चन पेपर वो भी हमारे पास है। यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 2 और 3 दिसंबर को एचटेट का एग्जाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग बोर्ड ने एग्जाम होने से एक महीना पहले सिलेबस दिया था, जिसमें ये बोला गया था कि ये आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जिससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसमें जो हिंदी और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन था उसमें इन्होंने बताए हुए सिलेबस से एक भी सवाल नहीं पूछा। हम जो सिलेबस इन्होंने नहीं पूछा है और जो आना चाहिए था उसके रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स की डिमांड के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स दिया जाए, और वो हमारा ग्रेस मार्क्स जो हिंदी और इंग्लिश का टोटल बनता है वो 30 मार्क्स का है, 15 नंबर की हिंदी है उसमें और 15 नंबर की इंग्लिश है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? हम अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम फिलहाल चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने आए हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम कोर्ट का रास्ता देते हैं। इससे पहले भी बोर्ड ने, इससे पहले भी रिजल्ट भी आने वाला है इसका, नहीं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक ये बायोमेट्रिक की लिस्ट अनाउंस करते हैं उससे पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से फिर रिक्वेस्ट करेंगे रिजल्ट उससे पहले अनाउंस। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि 2017 में TGT पंजाबी में 17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो बोर्ड ने वहाँ पे 21 क्वेश्चन को करेक्ट मानते हुए या गलत मानते हुए उन्होंने ग्रेस दिया है, आउट ऑफ सिलेबस मानते हुए ग्रेस। सर हम शांति पीरियड अंदर अपनी बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम तो बस ये जीत कर रहे हैं, सारे मिल लेंगे एक बार आउट ऑफ सिलेबस। लगभग एक महीना पहले उसका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आने के लगभग एक वीक बाद हमारा सिलेबस अनाउंस हुआ था कि इस सिलेबस से आपका एसलेट का एग्ज़ाम लिया जाए। जो सालों से पैटर्न चला आ रहा है, हमारे पास कोई रिटर्न सिलेबस नहीं था, पहली बार बोर्ड ने हमें रिटर्न सिलेबस दिया था। अब जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठे तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें जो सिलेबस में मेंशन था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिलेबस में CDP मेंशन थी हिंदी की और CDP मेंशन थी इंग्लिश की, एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो पहले से प्लस वो पैराग्राफ पैराग्राफ जो पैराग्राफ से आंसर लिखते हैं ना, पोइट्री से लिखते हैं, ये सिलेबस में मेंशन होते हैं। एक तो हमें टाइम ही इतना कम मिलता है, हम पूरे साल तैयारी कर रहे थे पुराने जो पैटर्न से जो आ रहे थे उस पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे, अचानक हमें नया सिलेबस मिला, हम उसके पीछे लगे, वो सिलेबस में नहीं आया। अब पेपर में पूछ लिया गया पूरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो कि सिलेबस में है ही, तो मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो हमें दोबारा हमारा एग्ज़ाम लिख के हम चाहते हैं, या फिर आप पहले भी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस 2017 में TGT पंजाबी उसमें 21 नंबर का ग्रेस मिला था, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 30 मार्क्स का ग्रेस जो सिलेबस में नहीं है उसके लिए आप, उसके लिए हम आप लोगों की जो मैम इनके एक मिनट प्रूफ हमारे पास, जैसे हमारे लैंग्वेज का पेपर था तो लैंग्वेज में यहाँ पे 30 नंबर का मेंशन कर रखा था, जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी होगी जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे थे प्लस ये था पेडागोजी यानी कि जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है टीचिंग, उसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे ही मेंशन था कॉम्प्रिहेंशन प्लस पेडागोजी। फिर हमारे पास तीनों लेवल के क्वेश्चन हैं जो अभी हुए थे क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें मैम
ये देखो 31 से शुरू हो गया हिंदी का, तो यहाँ पे ओनली ग्रामर दे रखी, कहीं पे पैराग्राफ नहीं है और कहीं पे पोइट्री वाला वो सेक्शन नहीं है और ना ही पैडागोजी है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट में भी पैडागोजी बोल रखा था लेकिन उसको हम फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। चलो सब्जेक्ट में क्योंकि पढ़ रखा था मैं, लेकिन ये हम बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई, हमारे लिए बिल्कुल नया था। और जो एस्टेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, अब मान लो कोई नौकरी का पेपर होता सबके लिए मुश्किल आया है तो मेरिट नीचे आ गई, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है। लेकिन इसमें क्या है, 90 नंबर लेने चाहे सब के आ जाए चाहे मेरे एक के आ जाए, अगर इसमें से अब पहले हमें लेने थे 150 में से 90 नंबर, अब हमें 120 में से 90 नंबर लेने पड़ गए, इसलिए हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो हमें 30 मार्क्स की ग्रेस दी जाएगी। और ऐसा पहले हो चुका है मैम, टीजीटी पंजाबी में 21 नंबर का ग्रेस 2017 में मैम ऐसा ही हुआ था कि जब 21 नंबर की ग्रेस मिली थी हमें, जो आउट ऑफ सिलेबस था मैम टीजीटी मैथ पंजाबी का मैम। सॉरी मैम बहुत आपसे आपके पास कंसर्न सुन लिए मैंने और आप लोगों ने मेल भी की हुई है मुझे, आप लोगों के जो भी इशू हैं वो है मेरे संज्ञान में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए हमने एक्सपर्ट्स बिठाए हैं, तो आप हिंदी का और इंग्लिश का स्पेसिफिकली कह रहे हैं, हमने सब्जेक्ट्स के भी बिठाए हैं, तो वो जो सब्जेक्ट में भी सुने, जैसे ही हमारे एक्सपर्ट को ओपिनियन आ जाएगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे आप लोगों की। तो ऐसा नहीं है जो भी आपकी इश्यूज़ हैं उनको साइडलाइन करके रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन को और आप लोगों के इश्यूज़ का संज्ञान में रखते हुए हम लोग रिजल्ट बनाते रहेंगे आप लोगों को। मैम ऐसा बायोमेट्रिक से पहले हो जाएगा, जैसे बोर्ड पहले बायोमेट्रिक करवाता है अनाउंस करना, बाद में कोई फायदा नहीं है, बाद में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा जी, जैसे एक्सपर्ट टाइपिंग है जो 2 दिन में आ जाएगा हमारा। मैम बायोमेट्रिक से पहले ही प्लीज़, क्योंकि बायोमेट्रिक से मैम ये भी सोचे कि 30 के अलावा भी हैं मैडम, है तो 45 का लेकिन हम 30 ही मांग रहे हैं। मैंने वही बताया आपको, हमने सब्जेक्ट्स के लिए भी एक्सपर्ट्स बिठाए हैं उनकी टिप्पणी के साथ ही हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत नहीं नहीं होना चाहिए कि कहीं आप हमें ये कह दो कि हम इंतजार करते रहें और अचानक से रिजल्ट आ जाए फिर हम कैसे वो देखो, इतना आपको आप आए हैं, आप यहाँ आई थिंक विश्वास के साथ ही आए हैं, बाकी स्ट्रेंथ बहुत है। आज मंडे है तो सारे टीचर्स ही होते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में है, कोई गवर्नमेंट में, कोई पीएचडी करा, जैसे मैं पीएचडी जिसको टाइम है वो आ गया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ना भाई और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कोई सिरसा से आए हैं, तीन तीन चार चार घंटे का आए थिंक जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है चेक भी किया है, हरियाणा जो रोड है वो सबसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। अच्छा आप लोग अपने ज्ञापन में मेंशन करें, चेक करवाएंगे उसको भी। मीन जो आपका हिंदी और इंग्लिश का है ये जल्दी हम लोग करके आपको बताएं। प्लीज बायोमेट्रिक से पहले हो, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद कोई इशू नहीं हो जाएगा। थैंक यू मैडम।